कटिहार में बोले तारिक अनवर, प्रदेश अध्यक्ष के आगमन को लेकर टल गया नामांकन। लोकसभा चुनाव को लेकर सभी प्रत्याशी अब नामांकन करने के लिए उतर गए हैं। लेकिन इस बीच कटिहार से बड़ी खबर सामने आ रही है। आज कटिहार लोकसभा क्षेत्र से कटिहार के पूर्व सांसद तारिक अनवर नामांकन पर्चा दाखिल करने वाले थे, लेकिन नामांकन आज नहीं किए। तारिक अनवर ने केटीएम न्यूज को बताया कि कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद सिंह का दौरा कल कटिहार में होने वाला है, इसी को लेकर नामांकन की तारीख टाल दी गई है। जबकि पप्पू यादव ने अपने पार्टी को कांग्रेस में विलय कर चुके और पूर्णिया से लड़ने की बात कह रहे हैं। इस पर श्री तारिक अनवर ने कहा कि पप्पू यादव के साथ किसी तरह का छल नहीं किया गया, हम लोगों ने प्रयास किया लेकिन कांग्रेस को पूर्णिया से टिकट नहीं मिल पाया। नॉमिनेशन कल हमारे प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष अखिलेश जी आ रहे हैं, उन्होंने हमसे कहा था कि आज के बजाय आप कल कीजिए ताकि हम भी उसमें शामिल हो सके। तो हम लोगों ने फैसला किया कि आज हम लोगों ने कार्यकर्ताओं की बैठक कर ली और कल 11 बजे हम लोग नॉमिनेशन करेंगे आप लोगों के सहयोग से। सर, इंडिया अलायंस में सब कुछ ठीक तो है सर, जो खबरें आ रही है कि अभी तक बातें नहीं बन पा रही है कहीं ना कहीं सीटों पर? ऐसा कुछ नहीं है, लगभग सब जगह बात तय हो चुकी है। साइन दिखा दो, देयर इज नो कन्फ्यूजन एट ऑल। होता क्या है, होता और हमारा ये कहना है कि जब गठबंधन की राजनीति होती है तो उसमें जितने भी गठबंधन के साथी होते हैं या पार्टियां होती हैं, उनका ये हमेशा प्रयास रहता है कि अधिक से अधिक हिस्सेदारी उनको मिले। लेकिन जब एक बार फैसला हो जाता है तो फिर सभी लोग मिलकर चुनाव लड़ते हैं। ये सिर्फ हमारे गठबंधन के साथ नहीं है, जितने भी गठबंधन बनते हैं, चाहे वो एनडीए का गठबंधन हो या और कोई गठबंधन हो, वहाँ भी इसी तरह का खींचतान चलता है। लेकिन चुनाव एक बार फैसला हो जाने के बाद, उम्मीदवार का फैसला होने के बाद, सब लोग मिलकर सहयोग करते हैं। तो सर, कल नामांकन के लिए आप जा रहे हैं? हाँ, कल 11 बजे नामांकन के लिए जाएंगे, क्योंकि हमारे प्रदेश अध्यक्ष भी आ रहे हैं, तो इसलिए हम लोगों ने इसको आज की तारीख को कल सर पता चल रहा है सर, चर्चा के जरिए नॉमिनेशन करेंगे भाई। ये तो बाकी बता रहे हैं भाई, देश में क्या कहते हैं, इस बात के लिए सभी लोग स्वतंत्र हैं, कोई भी कर सकता है, वो कैसे रोका जा सकता है? ये तो हर आदमी का जिसको कहते हैं मौलिक अधिकार। सब ठीक चल रहा है महागठबंधन में? जब महागठबंधन को नहीं मालूम, आपसे ये जानकारी मुझे आपसे मिली है, लेकिन मुझे विश्वास नहीं है इस पर। और मैं समझता हूँ कि वो अगर आरजेडी के अभी सांसद भी रहे और उसके पहले वो आरजेडी के नेता हैं, आरजेडी के अध्यक्ष हमारे पास हैं, तो ये बात मैं नहीं समझता हूँ कि कोई उनको नेतृत्व की तरफ से कोई इस तरह का निर्देश मिला है। वो अपने आप भी ऐसे भी तारीख साहब महत्वाकांक्षी होना, एक चीज जोड़ देते हैं, महत्वाकांक्षी होना बुरी बात नहीं है, अति महत्वाकांक्षी बुरी बात। करीम नहीं दिखे आज के साथ, तो आज हो सकता है वो कहीं हो, लेकिन हम लोगों ने सभी लोगों को आमंत्रित किया था, उनको भी आमंत्रित किया था, हर जो हमारा 5 गठबंधन के साथी हैं उनके सभी विधायक नेताओं को हम लोगों ने आमंत्रित किया है। गठबंधन का बैनर दिखाइए, कांग्रेस का फोटो भी लगा हुआ है, तो हम लोग का कोशिश यही है कि सबको साथ लेकर चले। कांग्रेस ने पप्पू यादव के साथ छल किया है, मुश्किल होगा लोकसभा कटिहार? देखिए, वो तो आप यहाँ की जनता बताएगी, लोग बताएंगे, और अभी ऐसा हमको उम्मीद नहीं है कि वो कोई ऐसा कदम उठाएगा। कांग्रेस ने पप्पू यादव के साथ छल किया, ऐसे समर्थक कह रहे हैं? कोई छल नहीं किया।